नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आइडेंटिफिकेशन, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो इस टेंस के वाक्य के अंत में, जो इसका हिंदी के वाक्य है उसके अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आता है। रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आता है। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके जो हिंदी के वाक्य है उसके अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आता है। चलिए दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सीता 2 घंटे से गाना गा रही थी। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, खेल रहे थे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। तो जो इस सेंटेंस के माध्यम से हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके जो हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है। जैसे सीता 2 घंटे से गाना गा रही थी, यहाँ पर रही थी आया है। इसी प्रकार से वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ पर रहे थे आया है। मोहन 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था, यहाँ पर रहा था आया है। इस प्रकार से जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है। चलिए दोस्तों, अब इसका हम मेथड को समझते हैं। मेथड जिसको हम हिंदी में विधि भी कहते हैं, इसके मेथड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर जिसको हम एकवचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर जिसको हम एकवचन कहते हैं, तथा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर जिसको बहुवचन कहा जाता है। के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग
वर्ब या हिंदी में इसे सहायक क्रिया भी कहा जाता है, सहायक क्रिया। हैड बीन लगाकर, वर्ब की, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर सिंस ऑब्लिक फार का यूज किया जाता है। अब प्रश्न यहां उठता है कि सिंस कहां पर यूज करें और फार का यूज कहां पर करें। इसके लिए निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है, और जिसमें समय की अवधि दिया जाता है, जिसमें समय की अवधि रहती है उसमें फार का यूज किया जाता है। समय की अवधि के साथ फार का यूज किया जाता है। अब निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय और समय की अवधि क्या होती है? निश्चित समय और समय की अवधि, निश्चित समय जैसे सुबह, दोपहर, शाम, ये क्या है? एक निश्चित समय है। इसी प्रकार से 2 बजे 1990, ये सब क्या है? एक निश्चित समय है। अब देखते हैं समय की अवधि। समय की अवधि क्या होता है? जैसे कल, कल या 2 दिन से, 2 दिन से, ये सब क्या है? समय की अवधि है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है, और जो समय की अवधि रहता है उसमें फार का यूज किया जाता है। जैसे निश्चित समय सुबह, दोपहर, शाम, ये क्या है? एक निश्चित समय है। या 2 बजे 1990, ये सब क्या है? एक निश्चित समय है। और जो समय की अवधि होती है, कल हो गया, 2 दिन से हो गया, या परसों से, ये सब क्या है? समय की अवधि है। 2 घंटे से, 5 घंटे से, 1 साल से, 1 साल से, ये सब क्या है? समय की अवधि होती है। ठीक है, जो निश्चित समय होता है उसके साथ सिंस का यूज किया जाता है, और जो समय की अवधि होती है या जिसके साथ समय की अवधि होती है उसके साथ फार का यूज किया जाता है। निश्चित समय में जैसे सुबह, दोपहर, शाम, 2 बजे 1990, ये क्या है? सब निश्चित समय है। और समय की अवधि क्या हुआ? कल, 2 दिन से, परसों से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 1 साल से, ये सब क्या है? समय की अवधि है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम इसके फार्मूला के माध्यम से इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? हैड बीन। सब्जेक्ट, हैड बीन। फिर क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगा? प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस ऑब्लिक फार।
प्लस टाइम। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद उस सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का यूज होगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फायर का यूज किया जाएगा और लास्ट में टाइम रहेगा, ठीक है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सब्जेक्ट के रूप में मान लो हम लिखते हैं सीता, सब्जेक्ट में सीता, ठीक है। सीता हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हमने सिंग लिखा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तब क्या हुआ, सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने लिख दिया ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने ए सॉन्ग लिख दिया। उसके बाद सिंस ऑब्लिक फायर, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे दो घंटा, ठीक है, तब क्या होगा, इसमें फायर का यूज़ करेंगे। अगर हम मान लो दो घंटा का यूज़ करेंगे, सीता दो घंटे से गाना गा रही थी, तब क्या का यूज़ होगा, फायर, क्योंकि दो घंटा क्या है, समय की अवधि है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फायर का यूज़ होगा, टू आवर। सबसे पहले सब्जेक्ट में सीता, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने हैड बीन लगा दिया, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में हमने सिंग लिख दिया और उसमें हमने आईएनजी डाल दिया, तब क्या हुआ, सिंगिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ए सॉन्ग आया, उसके बाद सिंस और फार में हमको चूज करना है, आखिर सिंस आएगा कि फार, इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, टाइम, टाइम में अगर एक निश्चित समय देगा तब हम सिंस का यूज़ करेंगे और जो समय की अवधि रहेगा या जिसमें समय की अवधि रहेगा तब उसमें फार का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर हमने दो आवर लिख दिया, टू आवर, दो घंटे से, इसलिए यहाँ पर हमने फार का यूज़ किया है, तो फार टू आवर, इस प्रकार से कोई भी सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो हमने सब्जेक्ट लिख दिया दे, सब्जेक्ट लिख दिया दे, उसके बाद हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने क्या लगा दिया, हैड बीन लगाया, उसके बाद प्लेइंग या प्ले, ठीक है, प्ले मतलब खेलना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ, प्ले, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, तब क्या हुआ, प्लेइंग, ठीक है। अ क्रिकेट, प्लेइंग अ क्रिकेट, दो सुबह से, मान लो हम इसमें लिख देते हैं सुबह से, मॉर्निंग टाइम से, मॉर्निंग क्या है, एक निश्चित समय है, ठीक है, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, मान लो हमारे पास एक सेंटेंस है, उसी का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तब क्या लगाएंगे, सुबह से, सुबह तो एक निश्चित समय होता है और निश्चित समय है तो इसके साथ सिंस का यूज़ किया जाएगा, सिंस मॉर्निंग। दे हैड बीन प्लेइंग अ क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पर हमने सिंस इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो मॉर्निंग होता है वो एक निश्चित समय होता है और निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और जो समय की अवधि होता है उसके लिए हम फार का यूज़ करते हैं। ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब हम इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब क्या बनेगा, इसी सेंटेंस का हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तब कैसे बनेगा, निगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, हैड बीन दिया है, इसके मध्य क्या लगाना पड़ेगा हमको निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नॉट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर
प्लस टाइम, ठीक है, ये इसका फार्मूला बन गया है। निगेटिव सेंटेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम जो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैड बीन के मध्य नॉट का यूज होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन उसके मध्य नॉट का यूज होगा। हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फार का यूज किया जाएगा और लास्ट में टाइम रहेगा, ठीक है। चलिए हम इसी सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनेगा सीता हैड, सब्जेक्ट में हमने क्या लिखा सीता, ठीक है, उसके बाद हैड, उसके बाद हमको लिखना है नॉट, उसके बाद बीन, यहाँ पर हम फार्मूला के आधार पर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट में लिखें सीता, उसके बाद हैड, उसके बाद क्या लगा है नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लिया था हमने सिंग लिया था, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सिंग, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज करेंगे तब क्या हो जाएगा सिंगिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, उसके बाद लगेगा फॉर टू आवर। सीता हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर टू आवर, ठीक है, सीता हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर टू आवर। चलिए अब देखते हैं सेकंड वर्ड का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हमने यहाँ पर सेकंड वर्ड लिखा है दे हैड बीन प्लेइंग अ क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे दे, उसके बाद क्या लगा है हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले उसमें हमने यहाँ पर आई एन जी लगा दिया तब क्या हो गया प्लेइंग, उसके बाद क्या लिखना है हमको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में ए क्रिकेट, यहाँ पर हमने क्या लिखा है सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है इसलिए हमने यहाँ पर मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज किया है सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तब क्या बना दे हैड नॉट बीन प्लेइंग अ क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है। अगर हम इसका हिंदी में उच्चारण करेंगे तब क्या होगा वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इसी प्रकार सीता हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर टू आवर, सीता दो घंटे से गाना नहीं गा रही थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इसके लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले क्या आएगा हैड आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा हैड, ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे उसके बाद आई एन जी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज होगा और लास्ट में टाइम आएगा, ठीक है, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चलिए इसका हम एक उसी सेंटेंस को लेके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा फार्मूला के आधार पर लिखते हैं,
फार्मूला में सबसे पहले क्या दिया है, हेड दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में सीता, हैड सीता बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लिखे थे, सिंग, उसमें आईएनजी लगा दिए तब क्या हो गया, सिंगिंग, ठीक है। ए सॉन्ग सिंस ऑब्लिक फॉर्म में फार का यूज किए थे क्योंकि हमने वहां पर 2 घंटा लिया था, 2 आवर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनेगा। हैड सीता बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर, क्या सीता 2 घंटे से गाना गा रही थी, क्या सीता 2 घंटे से गाना गा रही थी। चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं हम सेकंड सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जो हमने सेकंड सेंटेंस लिया था उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सेकंड सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला के आधार पर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लिए थे हम दे, ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले लिया था, उसके बाद उस फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, आई एन जी, तब क्या हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे तब क्या बन जाएगा, प्लेइंग, फिर अ क्रिकेट, ए क्रिकेट, हमने यहाँ पर मॉर्निंग लिया है, मॉर्निंग के लिए सिंस का यूज किया जाता है, सिंस के बाद मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका जो सेकंड सेंटेंस है उसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, हैड, ठीक है, यहाँ पर हमने फार्मूला के आधार पर लिख दिया है, तो सबसे पहले क्या लगा है, हैड, ठीक है, फार्मूला में सबसे पहले क्या लगा है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लगा है, दे, ठीक है, सेकंड सेंटेंस हमारा दे था तो इसलिए हमने सब्जेक्ट के रूप में दे लगा दिया, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसमें हमने आईएनजी डाल दिया तब क्या हुआ, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट ए क्रिकेट, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर्म में हमको चुनाव करना है, उसका सिलेक्शन करना है, हमने टाइम लिया था मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए सिंस का यूज होता है तो यहाँ पर हमने लगा दिया सिंस और मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव, मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, और निगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके लिए हम फिर से वही फार्मूला लिखते हैं, हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि हमको यहाँ पर नकारात्मक या निगेटिव सेंटेंस भी बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य भी बनाना है और साथ ही साथ निगेटिव सेंटेंस भी बनाना है, तब क्या प्रयोग करेंगे, नॉट, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये तो हो गया उसका फार्मूला, सबसे पहले क्या लगेगा, हैड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट, एंड देन बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। चलिए हम इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था हैड सीता बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर, तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, तो ये हम फार्मूला के आधार पर इसको लिखते हैं, हैड, हैड का हैड, सब्जेक्ट में सीता, सब्जेक्ट में हमने सीता ले लिया, उसके बाद नॉट लगा है, फिर बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सिंग, उसमें आईएनजी लगा दिए तब क्या हुआ, सिंगिंग, ए सॉन्ग फॉर 2 आवर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
अब सेकंड सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग अ क्रिकेट ए क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तब इसका हिंदी में क्या होगा, इसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तब क्या होगा, हैड सीता नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर, क्या सीता 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी, क्या सीता 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी। देखो इसमें क्या भी आया है और नहीं भी आ रहा है, इस कारण से क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनेगा, ठीक है। क्या सीता 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी। इसी प्रकार से सेकंड वाक्य में हैड दे नॉट बीन प्लेइंग अ क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना ना भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।